नमस्कार दोस्तों, मैं शुजीत इसी डिटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप में से किसी के घर में वीडियोकॉन का डिश लगा हुआ है तो आप बिना एक दूसरा डिश को यूज़ करते हुए आप डीडी फ्रीडिश का चैनल देख सकते हैं। आपको एक मोनोब्लॉक LNB को यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए डिश को घुमाना नहीं होगा। मोनोब्लॉक जो LNB है, जो वीडियोकॉन का LNB लगा हुआ है, उसे खोल के लगा दीजिए तो आपका अपने आप डीडी फ्रीडिश का चैनल है वो आ जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके घर में डीडी फीड सेट किया हुआ है तो आप डिश को मत घुमाते हुए एक मोनोब्लॉक LNB यूज़ करके आप वीडियोकॉन में जो फ्री चैनल से उसे देख सकते हो। हालांकि वीडियोकॉन जो DTH है वहाँ पे कभी कभी बहुत ही अच्छा अच्छा पेड चैनल फ्री हो जाता है, और कुछ लोग ऐसा भी है कि वो लोग जानते हैं कि वीडियोकॉन में जो पेड चैनल उसे कैसे चलाया जाता है। तो बहुत आसान तरीके से ये दोनों सैटेलाइट का सिग्नल एक ही डिश में मोनोब्लॉक LNB यूज़ करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगर डीडी फ्री डिश सेंटर में है तो वीडियोकॉन का LNB किस तरफ होगा, और अगर वीडियोकॉन का LNB सेंटर में है तो डीडी फ्री डिश का LNB किस साइड में होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों इसी डिश में चेक करेंगे, ये 2 फुट डिश है, हालांकि ये वीडियोकॉन का डिश है, और नॉर्मल LNB हमने लगा के यहाँ पे पहले चेक करेंगे डीडी फ्री डिश में हमारा कितना सिग्नल आ रहा है, और उसके बाद देखेंगे ST2 यानी कि वीडियोकॉन का जो सैटेलाइट है 88 डिग्री में है जो सैटेलाइट, उसका सिग्नल कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और इसका एलिवेशन भी देखेंगे। अगर एलिवेशन सेम होता है तो मोनोब्लॉक LNB लगाना आसान होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये डीडी फ्रीडिश का चैनल चल रहा है और इसमें बहुत ही अच्छा सिग्नल भी आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर वीडियोकॉन का जो सिग्नल है वो टेस्ट करेंगे, और वीडियोकॉन का जो स्ट्रॉन्ग TP है वो है 11609 पोलर डे वर्टिकल, सिंबल डेटा है 43975। इस पे दोस्तों सिग्नल लाएंगे सिंगल LNB लगा के। यहाँ पे कोई मल्टी LNB नहीं है, मोनोब्लॉक LNB नहीं, सिंगल LNB है। यहाँ पे दोस्तों डीडी फ्रीडिश है तो हल्का सा राइट साइड में लेंगे तो आपका वीडियोकॉन जो है 88 डिग्री वो सेट हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए चेक करेंगे कवरेज मैप के अंदर है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके वहाँ पे अगर सिग्नल आता है नॉर्मल में तो उनके पास मोनोब्लॉक LNB है उस पर भी सेट होगा, तो ये इसलिए चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे वीडियोकॉन में भी हमें सिग्नल मिल चुका है, यानी कि मोनोब्लॉक LNB अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दोनों का सिग्नल मिल जाएगा। और ये है मोनोब्लॉक LNB, ये डिश टीवी का एक LNB है, इसके अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट DisQC स्विच लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे नंबर 1 जो लिखे हैं हमने, यहाँ पे देख सकते हो ये डिश टीवी का LNB है, तो नंबर 1 जो है एक नंबर LNB है यानी कि DisQC 1 है, और ये जो है सेकंड LNB यानी कि DisQC port number 2। तो इसको खोलेंगे और इसे अभी लगाएंगे। दोस्तों पहले हम यहाँ पे डीडी फ्रीडिश में चेक करेंगे, अगर आपके LNB डीडी फ्रीडिश में सेंटर में है तो आप क्या करेंगे, ये 2 नंबर में जो है एक नंबर में आपका वीडियोकॉन का सिग्नल आएगा, और जो 2 नंबर में है उसमें आपका डीडी फ्रीडिश का सिग्नल आएगा। और देखिए इस तरह से सिग्नल इस साइड में जाएगा। तो यहाँ पे पहले काम करते हैं, डीडी फ्रीडिश को पहले सेंटर में सेट कर देते हैं, इसमें वीडियोकॉन का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और अभी इसको खोलेंगे, 2 नंबर में हम यहाँ पे डीडी फ्रीडिश में सेट कर दिए, यहाँ पे डीडी फ्रीडिश सेट हो गया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नंबर 2 में जो LNB है इसको हम डीडी फ्रीडिश में सेंटर में सेट करेंगे, और 1 नंबर जो LNB है यहाँ से सिग्नल आके 88 डिग्री का सिग्नल यहाँ से आके 1 नंबर में चला जाएगा। तो चलिए ये जो LNB है इसे मोनोब्लॉक LNB को लगा देते हैं, नॉर्मल जो LNB लगा है उसे खोल के। अगर आप LNB का केबल खोल रहे हो तो ध्यान में रखिएगा कि आपका सेटअप बॉक्स ऑफ होना चाहिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो, क्योंकि शॉर्ट होने की वजह से आपका सेटअप बॉक्स ख़राब हो सकता है। और अगर ऑनलाइन मतलब कि सेटअप बॉक्स ऑन होते हुए करते हो तो मिडिल का जो है उसे से ध्यान में रखना कि वो शॉर्ट ना हो जाए। तो अभी देख सकते हो ये जो मिडिल में ये जो LNB है इसमें DDFD इसका सिग्नल आएगा, इसे हम यहाँ पे स्क्रू को लगा देते हैं। अभी सेटअप बॉक्स मेरा ऑन ही है तो LNB का केबल हम यहाँ पे लगा दिए। तो दोस्तों जैसे ही इस पे लगा दिए तो चैनल जो चल रहा था वो है डीडी फ्रीडिश का,
ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिग्नल आ रहा है, चैनल भी सारे के सारे चल रहा है, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अगर आप इसे देखना चाहते हो तो जो एंटेना सेटिंग है वहाँ पे जाके ये जो पोर्ट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए, एक नंबर में आपका वीडियो कॉन का सिग्नल मिलेगा, एक नंबर में, दो नंबर में आपका डीडीवीडी मिडिल में आ रहा था। अभी ये जो है वीडियो कॉन का सिग्नल, तो इसका पोर्ट जो है डिस्क से वन कर दिए, तो जैसे वन कर दिए तो यहाँ पे ये रिचार्ज रिमाइंडर, ये वीडियो कॉन का चैनल है आप लोगों को मालूम है। अभी टीपी लिस्ट देख लीजिए, अभी वीडियो कॉन का जो लाइन भी है ये साइड में है, मगर इसका जो सारे के सारे जो ट्रांसपॉन्डर है सारे के सारे में आपका सिग्नल आ रहा है। देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो मोनोब्लॉक लाइन भी है ये डिश टीवी वालों ने वीडियोकॉन और ये डीडीफीडी जो है उसके लिए बनाया है। हालांकि ये इनबिल्ट था आपका 93 में, जो 95 में जो आपका डिश टीवी था, और SS8.5 यानी कि 100 डिग्री में इसका HD चैनल चलता था, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अभी दोस्तों अगर इसको मतलब कि ये जो LNB है ये दो नंबर में DDFD सेट है, और अगर आपका डिश मान लीजिए कि वीडियो कॉन्टेंट सेट है, तो आप क्या करेंगे? डिश को घुमाना नहीं चाहते हैं आप, तो LNB का जो दो नंबर पोर्ट है उसे खोल दीजिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अभी देखिए, एंटेना को हम घुमा दिए किस साइड में, ST2 जो 80 डिग्री में सेटेलाइट है वीडियो कॉन, उसी के तरफ हम घुमा दिए। अभी तो सिग्नल नहीं आएगा, तो अभी करना क्या होगा, ये जो एक नंबर में जो LNB है, खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये जो दो नंबर में इस पे ही आपका DDFS आएगा, डिस्क का पोर्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक एक में आपका वीडियो कॉन आएगा। तो ये जो रबर पैड है, ये LNB का जो होल्डर है, इसको थोड़ा मोटा करके, मोटा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। आपका डिस्क इसका पोर्ट जो है वो चेंज करना नहीं पड़ेगा सेटअप बॉक्स में, क्योंकि सिग्नल पहले ऐसा आ रहा था यहाँ पे DDFS और यहाँ पे वीडियो कॉन, अभी वीडियो कॉन सेंटर में आ गया, लेकिन आपका जो LNB है वो दोनों का जो पोजीशन है वो सेम ही है। अभी देखिए यहाँ पे सेट हो गया है, LNB का केबिल लगा देते हैं, बहुत ही आसान सा सेटिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये DDFS चल रहा है, DDFS लेफ्ट साइड से आ रहा है, जो दो नंबर में LNB है वही DDFS का है, और एक नंबर में जो है उसको अभी सेंटर कर दिया गया है। एक नंबर में जो ये है 88 डिग्री, इसमें जो ST2 वीडियो कॉन है वो, अभी देखिए इसका ये थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं हुआ वीडियो कॉन इसलिए नहीं आ रहा है। तो हल्का करके ये देखिए, ये देखिए पूरा फुल सिग्नल आ गया। देखिए जहाँ पे फुल सिग्नल मिला वीडियो कॉन सेंटर में रखते ही वही पे हमने रखे हैं, और DDFS का वो तो आई गई, क्योंकि DDFS बहुत ही तगड़ा सिग्नल मिलता है, और ये सारे के सारे चैनल अभी चल रहा है। देखिए ये रिचार्ज रिमाइंडर जो ये वीडियो कॉन का है, वीडियो कॉन तो आएगा ही दोस्तों, ये मिडिल में हमने रखे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका डिश वीडियो कॉन में सेट किया हुआ है, आप DDFS का चैनल देखना चाहते हो DDFS का, तो आप ये जो LNB है इसे लगा सकते हो। कभी कभी वीडियो कॉन में अच्छा अच्छा चैनल चलता है, उसका मजा भी आप ले सकते हो, तो डिश को घुमाना नहीं पड़ेगा, अरे आज चैनल ऐड हुआ चलो डिश को घुमाए, कोई दरकार नहीं है। एक छोटा सा एक LNB ले लीजिए, ये पुराना भी मिलता है आसपास के, क्योंकि डिश टीवी वालों ने यूज़ करता था पहले, अभी यूज़ नहीं करता है, तो आप उनसे बात कीजिए जिनके घर में ये लगा हुआ है, वो आपको ऐसे ही दे देगा, और उन पर एक नॉर्मल सा LNB लगा के दे दीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नए वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।